हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। मैं आपको मेंटल मैथ क्लास 9th की ये बुक करवाने जा रहा हूँ। और देखिए, जो भी आपका सिलेबस है ना, जो 9th क्लास में आप पढ़ रहे हैं, तो मेंटल मैथ आपके पेपर की भी बहुत तैयारी कर देगी। और जो इसका कंपटीशन का एग्ज़ाम होता है, उसमें भी आपकी ये वीडियो काफ़ी हेल्प करेगी। मैं आज ये पहली वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है? तो ऐसे ही कंटिन्यू हम इस वीडियो जो है आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। तो ये हिंदी मीडियम में आपको मैं दिखा रहा हूँ, इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट भी इसे देख सकते हैं। बाकी मैं कोशिश करूँगा कि इंग्लिश मीडियम के अलग से प्रोवाइड कर सकूँ। और ये सारे के सारे ना कंसेप्ट दे रखे हैं, मैं ना सीधा क्वेश्चन आंसर आपको करवाऊंगा। ये सारे के सारे जो कंसेप्ट है आपको ऐसे पता होना चाहिए, ठीक है? तो जो क्वेश्चन आंसर में कंसेप्ट आएंगे, उसी के अकॉर्डिंग आपको ये सारा बताता चला जाएगा, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। ये कह रहा है कि ये जितने भी नंबर्स है ना, इसका इकाई का अंक क्या होगा? मतलब पता क्या बोला, यूनिट डिजिट क्या होगी? जैसे हम अब आप कहोगे सर 13 की पावर 41 है, इसकी इकाई का अंक कैसे पता लगाएंगे? जैसे अगर हम छोटा क्वेश्चन लेते हैं, मैं आपको शॉर्टकट ट्रिक बताऊंगा, समझाऊंगा अच्छे से। देखो, जैसे हम 13 का स्क्वायर लेते हैं, ठीक है, और 13 की पावर 1 लेते हैं। तो अब आप मुझे बताओ, जब हम 13 की पावर 1 लेंगे तो इसका यूनिट डिजिट क्या आएगी? 13 की 13 13 ही आएगा, क्योंकि 13 की पावर 1 है, तो एक बार लिखेंगे 13 तो आएगा। अब 13 की पावर 2 है यहाँ पे, जब 13 की पावर 2 है तो 13 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 169 आएगा, हाँ या ना? तो इसका इकाई अंक कितना आ रहा है? 3 आ रहा। इसका इकाई अंक कितना आ रहा? 9 आ रहा है, 9 आ रहा है, यूनिट डिजिट 9 आ रही है। अब 13 की पावर अगर मैं 3 करूंगा तो कितना आएगा? तो हमें सिर्फ पहला नंबर लेना है, हमें दोनों लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि 13 की 13 की 13 में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हम 3 3 3 की मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 3 9 27, तो इसका यूनिट डिजिट कितना आ रहा? 7 आ रहा है। जब हम 13 की पावर 4 ले रहे हैं, तो 13 की 13 की 13 की 13 में जब मल्टीप्लाई करें तो 3 3 9 27 81, ठीक है, 81 आ रहा है। फिर हम 13 की पावर अगर 5 ले रहे हैं, तो 13 13 13 13 1 2 3 4 5, तो 3 3 9 27 81 243, ठीक है, तो इसका 3 आ रहा है। तो अब आप देखो, जो पहला नंबर है, पहले नंबर की यूनिट डिजिट क्या आई है? 1 आई है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5, पांचवे की वापस वही 3 आ रही है। तो अगर यहाँ पर 41 लिखा है और मुझे पता लगाना है कि इसकी यूनिट डिजिट कितनी आएगी, तो मैं इस 41 को जो है किससे डिवाइड कर दूंगा? 4 से डिवाइड कर दूंगा। तो 4 एकम 4 आ गया, या 1 बचा, तो ठीक है, 1 बचा, तो ये ना जाने की जीरो जैसे हमने करा, तो ये हमारा 1 रिमाइंडर आ गया, मतलब ये आ गया। तो यहाँ पे 1 बच रहा है, यानी कि 4 4 4 4, देखो मतलब 41 है ना, तो 4 फिर 4 फिर 4 फिर 4 फिर 4 करते 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 1 बच रहा है। तो यानी कि वो अगला 5वां आ रहा है, और जब 5वां आ रहा है तो यूनिट कितनी आएगी इसकी? 3 आएगी। देखो, ये ना बहुत डीपली क्वेश्चन होते हैं, इसको ना बहुत ध्यान से करना पड़ता है डियर। तो अगर रिमाइंडर 1 आ रहा है, अगर रिमाइंडर 1 आ रहा है तो हमें आगे एक कदम चलना है, मतलब 5वें कौन है ये रहा। अगर यहाँ पे 2 होता, क्या होता? 2 होता, तो मैं मतलब देखो, अगर 2 होता तो 5वें का अगला छठा यानी कि दूसरे नंबर पे, तो मैं दूसरे नंबर को देखता। मतलब अगर ऐसे कोई भी क्वेश्चन आते हैं तो आपको क्या करना है, 4 तक या 5 तक करके देख लेना, और जितना रिमाइंडर रहेगा उसके हिसाब से चलना। अगर आपको अभी क्लियर नहीं हुआ ना, तो मैं आपको और समझाऊंगा ना, क्योंकि देखो ये बहुत टफ क्वेश्चन होते हैं, बहुत प्रैक्टिस मांगते हैं, तब ये समझ में आता है। 24 है, 24 की पावर कितनी है? 31। अब आपको इसका यूनिट पता लगानी है, ठीक है? तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, 24 की पावर पहले 1 ले लो, 24 आ गए, इसकी यूनिट कितनी आ गई? 4 आ गए। तो 24 की पावर 2 ले लो, तो आपको देखो शॉर्टकट जब करोगे तो आप पहला नंबर ले लोगे, 16 आ गया, तो उसके आगे 6। फिर 24 की पावर आपने 3 ले ली, तो 4 को 4 को 4 से मल्टीप्लाई करा, 4 6 64। देखो अब इसने क्या, इस वाले में क्या हो रहा था, जो नंबर सेम में 3 आया था, 5वें नंबर पे सेम आया था, हाँ ना? इस वाले में जो नंबर सेम आ रहा है वो कब आ रहा है? 2 के बाद सेम आ रहा है,
कितने के पास सेम आ रहा है, दो के पास, तो आपको 31 को दो से डिवाइड करना है, जितने नंबर के पास सेम आएगा उससे डिवाइड कर दो, दो से, तो दो एकम दो, यहाँ पर दो पंजे दस, एक रिमाइंडर बच गया, जब एक बचा तो पहले वाला नंबर ले लेंगे, अगर दो बचता तो दो तो वैसे बचेगा नहीं, अभी दो ही दे रखा है, तो दूसरे वाला अगर लेते हैं, अगर जीरो बचता ना जीरो, तो हम यहाँ पर इसका सिक्स ही ले लेते हैं, सुन रहे हो, यहाँ रिमाइंडर का जीरो बचता तो हम छः ले लेते हैं, सुन रहे हो, तो अब इसका आंसर देखो यहाँ पर इसके आंसर भी दिए होते हैं, आंसर देखो इसका आंसर कितना रहे, देखो चार आ रहा है, ये ना बहुत शॉर्टकट ट्रिक है, आपको इसे माइंड में करना होगा, अब जैसे 79 है इससे 78 पावर है, अब आपको पता लगाना है कि इसका यूनिट कितना निकलेगा, तो 9 दे रखा है ना 9, तो 9 का कर लो, 9 का पहले एक लगा लो, अभी तो मैं आपको समझा रहा हूँ ना, इसलिए मैं सारा लिख के दिखा रहा हूँ, क्योंकि एक से लेकर 9 तक की गिनती होती है, बच्चे 9 तक रट लेते हैं, तो वो ऐसे ही माइंड में फटाफट बता देंगे क्या आंसर होगा, ठीक है, तो मैं आपको कंसेप्ट बता रहा हूँ, इसलिए मैं आपको आराम से करके दिखा रहा हूँ, 9 9 81 का करोगे तो कितना आएगा, जैसे 81 को 9 से करोगे ना तो 729 आता, तो 9 देखो 9 दोबारा आ गया, यानी कि ये भी हर तीसरा नंबर सेम आ रहा, तो इसको भी दो से डिवाइड करना है 78 को, तो 78 को दो से डिवाइड करो, तो अगर पूरा जीरो चला जाएगा ना तो आपको उसी नंबर को लेना है, ठीक है, तो जैसे अभी क्योंकि देखो कट ही जाएगा पूरा, 2 3 6 हो गया, 2 9 18 हो गया, तो 39 आ गया, 30 देखो जीरो आ गया ना, तो जीरो आएगा तो जिससे दोबारा नया नंबर वही आ रहा है, जैसे ये 9 है तो दोबारा नया नंबर ये आ गया 9, ये वाला पुराना मतलब जो भी कह रहा हूँ, ठीक है, तो ये आंसर इसका 1 मानेंगे, इसका 1 आएगा, अगर यहाँ पे एक बचता तो हम पहले वाले को लेते, अगर यहाँ पे जीरो बच रहा है तो आपको दूसरे वाले को लेना है, क्योंकि आपने दो से डिवाइड किया, सबसे आसान तरीका मैंने आपको बताया, अभी 46 का देखो, और आप ना जिन बच्चों को समझ में आ गया ना वो खुद ट्राई करके फिर मुझे मतलब कमेंट करेंगे आंसर, ठीक है, नहीं तो फिर मैं ऐसे वीडियोस नहीं बनाऊंगा, पहले बता रहा हूँ मैं, क्योंकि बच्चे लाइक वाइक करते नहीं है तो फिर मतलब ये कि यूजलेस दी है, फिर मुझे मोटिवेशन कहाँ से मिलेगा, ये 46 की बार 100 है, अब इसे कैसे करेंगे, तो 6 है तो पहले 6 का कर लो, 6 की बार 1 है तो 6 आ गया, 6 की पावर 2 है तो 6 6 36 आ गया, 6 की पावर 3 है तो 6 6 36 6 216, ओहो मजा आ गया, पूछा कैसे, अरे हर बार 6 का 6 ही तो आ रहा है बच्चों, 4 भी लोगे तो अभी कितना आ रहा है, 6 6 36 6 6 36 6 6 36 6 ही आ रहा है हर बार, तो इसमें तो आंसर पहले में पता लग गया 6, तो देखो कुछ नंबर ऐसे होते हैं जिसका जितना मर्जी स्क्वायर कर लो आंसर वही रहने वाला है, तो देखो इसका 6 ही आंसर है, मैंने कहा ना 1 से लेकर 9 तक गिनती होती है तो बच्चे उसे रट लेते हैं, देखो 3 वाला आपको समझ में आ गया, 4 वाला आपको समझ में आ गया, 9 वाला आ गया, 6 वाला आ गया, बचा कौन सा 5, 1 जो जो बचे उसको कर लो, सारे सीख लो ना एक बार में, 7 वाला है 7 वाला भी करवा देता हूँ, मेन तो ये पहला नंबर देखना है, और बच्चे ऐसे ही रट लेते हैं, अब 7 है तो 7 का 1 करेंगे तो 7 आ गया, 2 करेंगे, आपको पूरे पूरे नंबर की मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, वो तो शुरू में समझाना था ना इसलिए मैंने बताया, 7 7 49 हो गया, 7 की पावर 3 करो, 7 × 7 × 7 कितना आ गया, 343 आ गया, देखो हर बार अभी नया नंबर आ रहा है, आ रहा ना नया, अब 7 की पावर 4 करो, तब तक करोगे जब तक सेम वही नंबर ना आ जाए, 4 × 7 × 7 × 7 × 7, अब 7 7 49 देखो शॉर्टकट बता रहा हूँ, 7 7 49 तो 9 9 81 एक होगा, एक हमें तो जीरो डिजिट लेनी है ना, एक ले लिया हमने पहले, इन दो को मल्टीप्लाई कर लिया, इन दो को आपको चारों को मल्टीप्लाई करने की भी जरूरत नहीं है, 9 9 81 एक ले लिया, आप 5 करके देखो, तो जब 5 करके देखोगे तो 7 7 49 7 7 49 7, तो ये 9 81 का 1 7 7 7 आ गया, देखो वापस वही नंबर आ गए, आगे ना, यानी कि इसको भी हमें किससे डिवाइड करना है, 4, देखो 2 ही होते हैं, या तो 4 से डिवाइड करना है या 2 से डिवाइड करना, अब आपको याद होना चाहिए कि आपको किससे डिवाइड करना है, तो इसको 21 है ना, तो पावर को 4 से डिवाइड करो, 4 5 20 एक बच रहा, जब एक बच रहा तो पहले वाला आ गया 7, ठीक है, देखो इसके 7 था ना, ये देखो 7 था, ठीक है, अब आ जाओ सेकंड क्वेश्चन, इसने बोला कि इसके बीच की 2 परिमेय संख्या बतानी है, ठीक है, तो आपको इसके बीच में 2 आपको रेशनल नंबर बताने हैं,
तो रेशनल नंबर कैसे बताएंगे? 3 और -2 के बीच में आपको रेशनल बताने दिए, बहुत आसान है। देखो आपने ये नंबर लाइन डाल लो, देखो रेशनल नंबर अनगिनत होते हैं, ठीक है, अनकाउंटेबल होते हैं। आपको क्या करना, 1, 2, 3, -1, -2, -3, -4, -5, -6। अब इसने बोला 3 कहाँ आई है रहा, -2 कहाँ आई है रहा। अब इसके बीच में नंबर बताओ कितने सारे हैं। देखो बहुत सारे हैं, आपको क्या सर 1, 2, 3, 4 ही तो है। अरे बहुत सारे हैं, जैसे 1 और 2 के बीच में आधा भी आता है, ठीक है। तो इस तरीके से जितने मर्जी नंबर लिख सकते हो, -1, 0, 1, 2, इस तरीके से जो मर्जी हो सकता है इसका आंसर। अब इसने बोला इन दोनों के बीच में नंबर बताओ, 1/3 और 1/2 के बीच में। तो देखो इसने रेशनल नंबर बोला ना, अगर आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से करना है तो आप इन दोनों के पहले बेस सेम कर लो। देखो मैं मेंटल मैथ की तरीके से समझा रहा हूँ, ठीक है, मतलब जैसे फुल लिखते हैं ना वैसे नहीं समझाया, ठीक है। तो ये 2 है तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो, 3 है ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो। तो 2 × 1 = 2, 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 6। अब हमें इसके बीच में कितना नंबर निकालना है, 2 निकाल लें। देखो अगर हमें कोई भी क्वेश्चन आ जाए रेशनल नंबर निकाल लें, तो अगर मैं आपको बता दूं कि जैसे अगर मैंने यहाँ पे 1.1 लिखा, 1.2 लिखा, वो भी इन दोनों के बीच में, क्योंकि इन दोनों के बीच में कोई भी नंबर हो सकता है, कोई भी। अब जैसे इन दोनों के बीच का नंबर बताना है तो पहले इसका बेस सेम करूंगा, इस 2 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, इस 3 को दोनों को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमें कितने नंबर निकालने, 2, तो हम इसे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मैं आपको शॉर्टकट ट्रिक भी बताऊंगा, 3 से मल्टीप्लाई करो, अगर मुझे 2 नंबर निकाले तो 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, 4 निकालने तो 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, 3 × 2 = 6, 6 × 6 = 18, 6 × 9 = 18। अब इसके बीच में कौन कौन सा नंबर है, 6 और 9 के बीच में 7/18, 8/18, 9, और बस 2 नंबर निकल गए, बहुत है, क्योंकि ये दोनों के बीच के नंबर चाहिए थे ना, ठीक है। अगर आपको और शॉर्ट में करना है 1/3, और अगर आपसे पूछे जा रहा है कि बच्चों बताओ इसके बीच के रेशनल नंबर, तो इसको सिर्फ डिवाइड करो 3, 3 या 9, ये आगे चलता रहेगा, इसको डिवाइड करो 0.5, अब 50 बना दो इसको। अब 3350 के बीच में कौन आता है, 34 आता है, 35 आता है, 36 आता है, 0.34, 0.35, 0.36, 0.37, 0.3666, ऐसे कुछ भी देख सकते हो आप जो इनके बीच की हो। अगर आपको शॉर्टकट पता लगाना है, इसको डिवाइड करो, इसको डिवाइड करो, बीच के नंबर कुछ भी लिख दो। आपको सर ये फ्रैक्शन में नहीं है तो फ्रैक्शन में ले आओ, 0.33 है, पॉइंट हटा दो नीचे 100 हो जाएगा, तो हो गया ना फ्रैक्शन में। ये तो जो बच्चे इंटेलिजेंट है ना, या जो मेंटल मैथ की तैयारी कर रहे हैं एक्स्ट्रा करते हैं, ये उनके लिए शॉर्टकट ट्रिक्स हैं। तो पेपर तो उनके लिए छुई मुई है, यूं ही कर लेंगे पेपर अगर मेंटल मैथ कर ली तो, राज की बात बता रहा हूँ, 100 में से 100 आ जाते हैं अगर मेंटल मैथ अच्छे से कर लियो। अब देखो इधर आपको कोई और बुक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये देखो ये दे रखा है 2.14, ये दे रखा है इसने। अब देखो ऐसे क्वेश्चन आपको कहाँ मिलेंगे, इसने बोला इसके बीच के आपको 2 परिमेय संख्या पता लगानी, पहले इसको आपको फ्रैक्शन में लाना होगा। पता है कैसे करेगी, इस बार का मतलब पता है क्या होता है, इस बार का मतलब है बार बार रिपीट है, जैसे 2.14, 1414, 1414, ये चलता रहेगा, ठीक है। इसने बोला 2 परिमेय संख्या आपको निकालनी इन दोनों के बीच में, समझो मेरी बात। तो आप ऐसे भी बता सकते हो, जैसे यहाँ पे लिखा है 2.14 के ऊपर बार, तो आप बता दो 2.22 पे बार बता दो, 2.23 पे बार बता दो, इसके बीच के ये भी नंबर लिख सकते हो आप ये भी आंसर बता सकते हो, लेकिन मैं आपको थोड़ा और बता रहा हूँ और, क्योंकि तो इनके बीच के तो लिख रहे थे दोनों, दो दो तो लिखे हैं, 14 और 58 है, तो बीच में 22 लिख दो, 23 लिख दो, ये भी रेशनल नंबर है, सुन रहे हो। अगर आपको इसको फ्रैक्शन में लिखना है, अगर आपको इसको फ्रैक्शन में लिखना है, तो मैं आपको बता दूं कि ये जो लिखा है ना पूरा नंबर 214, ये पूरा लिखा माइनस कर दो जिस पर बार नहीं है, 2/2 में कितनी रकम पे बार है, 2 पे बार है ना, तो ये 99 आ रहा है, तो इसका आंसर आएगा 212/99। ये शॉर्टकट ट्रिक है, आप शॉर्टकट वीडियो भी देख लेना इसकी, शॉर्टकट लिखना, शॉर्टकट ट्रिक क्लास 9
एएसपी स्टार्ट, ये वाली वीडियो आपको दिख जाएगी, ठीक है। ये आपको मैं समझा रहा हूँ, फिर भी इसमें भी समझा रहा हूँ। अब देखो इसको लॉन्ग तरीके से कैसे करता है। अगर आपसे पूछा जाए 2.14 को मिक्स फ्रैक्शन में लिखो या सिर्फ फ्रैक्शन में लिखो, इतना बोल दे, या यूं बोल दे पी बाय क्यू की फॉर्म में लिखो, अगर आपको ये बोले तो आप कैसे करोगे इसको? आता है आपको? देखो इसको आप एक्स मान लो, मान लिया एक्स, तो पॉइंट के बाद अगर 12 है तो उसे फर्स्ट इक्वेशन बोलते हैं, अगर पॉइंट के बाद 2 पर 12 है तो हम मल्टीप्लाई बाय 100 बोस्टर्ड करेंगे, हिंदी में दोनों ओर 100 से गुणा कर लेते, दोनों ओर 100 से गुणा कर लेते। अगर 2 पर 12 है तो 100 से गुणा करेंगे, अगर 1 पर 12 है तो हम उसे 10 से गुणा करेंगे, ठीक है। अब 100 से गुणा करो इसको, 100x, 100 को से गुणा करो 214.14 पर 12, ये सेकंड इक्वेशन आ जाएगी। सन में आ गई, देखो ये पता है ये 14 दोबारा क्यों लिख दिया, क्योंकि इस पर बार लिखा है, और मैंने आपको बताया था बार जैसे हटाओगे चलता रहेगा चलता रहेगा, इसलिए जब 100 से गुणा करेंगे पूरा रकम आगे आ जाएगी, 2 के पीछे लगेगा 214 बन जाएगा, ध्यान से समझना। अब सेकंड में तो फर्स्ट घटाना है, तो इसमें से हम ये घटाएंगे, तो 100x पहले ये वाला पूरा उतार दिए 214.14 और ये x बराबर 2.14 माइनस माइनस, अब 100 में से 1 गया 99x, 214 में से 2 गए 212 और 14 पॉइंट हट गया 212 बचा। अब ये 99 गुणा वाला क्या हो जाएगा, 99 गुणा वाला क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा आंसर आगे। देखो यही जो आंसर आया है ये यही तो आया था शॉर्टकट ट्रिक से, तो शॉर्टकट ट्रिक मैंने आपको कैसे कहा, पूरा नंबर लिख दो जिस पर बार नहीं है वो लिख दो, और अगर 2 पर 12 तो 99 आ जाएगा, 3 पर हो तो 3 बार 9 आ जाएगा। ये शॉर्टकट तरीका सबसे आसान तरीका है, ठीक है। ये शॉर्टकट वाली वीडियो जरूर देख लेना, आपको बड़ा बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। तो आपको इसमें तो रिएक्शन नंबर पता लगाने थे ना, तो वो तो मैंने आपको सीधा बता दिया, 14 लिखा है तो 24 हो गया 25 हो गया। अब आपको आंसर में जरा एक बार इसमें देखता हूँ कि इसमें इन्होंने आंसर लिखे हैं या नहीं लिखे हैं। देखो इन्होंने आंसर लिखे हैं और ये लिखे ना अन्य उपयुक्त उत्तर, मतलब बच्चा कोई भी आंसर लिख सकता है कोई भी, क्योंकि इसके आंसर अनगिनत है, इसकी कोई गिनती नहीं है, सुन रहे मेरी बात, इसकी कोई गिनती नहीं है, बच्चा कोई भी आंसर लिख सकता है। तो ये मैं सोचते हैं कि सर ने ये आंसर नहीं निकाले, ठीक है, मैंने समझा दिया ना आपको। जैसे यहाँ पे लिखे 2.1458 लिखा है इन्होंने, बीच का कोई सा भी नंबर ले लिया, सुन रहे मेरी बात दियर। अब सुनो ये कह रहा है कि अगर 2/7 की वैल्यू ये है तो 1/7 3/7 4/7 5/7 इन सबकी वैल्यू कितनी होगी। देखो मैथ में हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम कोई मैटर नहीं रखता, ठीक है, बस ये है कि थोड़ा बहुत ये लिखा होता है हिंदी में इंग्लिश में बोलेंगे फाइंड वैल्यू, ठीक है। अब जितने इंग्लिश मीडियम वाले हैं जितने हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स हैं सारे बच्चे कमेंट करके मुझे बताना कौन कौन हिंदी है कौन कौन इंग्लिश है, अटेंडेंस की तरह, ठीक है, सुन रहे हो ना क्या बोल रहा हूँ मैं। 2/7 की वैल्यू ये देखे 0.28571 ये कह रहा है, अगर 2/7 की वैल्यू ये है तो 1/7 की वैल्यू कितनी है और 3/7 की वैल्यू कितनी होगी, 4/7 की कितनी होगी, 5/7। अगर आप देखोगे ना बच्चों, आप मेरी बात सुन रहे हो, अगर आप देखोगे आपकी बुक में 1/7 की वैल्यू दे रखी थी, 1/7 की वैल्यू दे रखी थी, आपको 2/7 की निकालनी थी, सुन रहे हो, तो यहां पर हमें 1/7 की वैल्यू निकालनी, उल्टा दे दिया। तो डियर आपको ये याद रखना है, बहुत सिंपल है, आपको क्या करना है कि जो 2/7 है ना इसको ओपन कर लेना, देखो हमें 1/7 निकालना है, ठीक है, मेरे पास क्या समझना, 2/7 की वैल्यू कितनी दे रखी है 0.28571 ठीक है। तो 2/7 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2 × 1/7 लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता, बोलो भाई, 2 × 1 = 2 ही तो होता है। अब इस 2 को इधर ले जाके डिवाइड कर दूंगा भाई, मल्टीप्लाई वाला जाके डिवाइड ही तो होता है,
अब ये बुक में क्वेश्चन है, लेकिन उसमें 1/7 की वैल्यू दे रखी थी, यहाँ पर जानवर की 2/7 की दे रखी है, तो हमें 1/7 की निकालने के लिए उसी को हम ब्रेक कर देंगे, मल्टीप्लाई वाला डिवाइड हो जाएगा। अब इसको इससे काट दो, जब हम इसे काटेंगे तो 2 1 2 2 4 8 2 2 4 पन इसे दे देंगे, 2 8 16 2 5 10 ठीक है, और 2 7 14 बार का बार लग रहेगा, ये हमारा आंसर 1/7 का है। मुश्किल था, आ गया। अब मेरी बात सुनो, इसने बोला है 3/7 की वैल्यू निकालो, अब 3/7 की वैल्यू निकाली तो इसको भी ब्रेक कर दो, 3 × 1/7। अब भाई हमने 1/7 की वैल्यू तो निकाल दी ना, 1/7 की वैल्यू तो निकाल दी, बस मल्टीप्लाई कर दो। देखो अगर ध्यान से समझना, और सबसे बड़ी बात वीडियो की यही है कि अगर आपको समझ नहीं आए आप वीडियो को पीछे करके सुन सकते हो, समझ सकते हैं। अब मल्टीप्लाई करो 14, 28, 57 को, जैसे मल्टीप्लाई करते हैं, इस पर मैं डिवाइड कैसे कर रहा था, मैंने ऐसे करा था 28, 57, 14 को 2 से ऐसे डिवाइड करा था। अब यहाँ पर 3 को मल्टीप्लाई ऐसे करेंगे, 14, 28, 57 को 3 से जैसे मल्टीप्लाई करते वैसे करेंगे, बार हटा के मल्टीप्लाई कर लो, फिर बार लगा देना, 3 से 21 का 1, 3 से 15 और 16, 17 ठीक है, 3 8 24 1 25 3 2 6 और 2 8 3 4 12 3 1 3 4 तो ये कितना आ गया, 4 2 8 5 7 1 बार लग गया, आगे लगा दो बस। अब एक बात और बताऊं, आप नोटिस करो कि 2 8 5 7 1 4 यही नंबर बार बार आ रहा है, देख लो 2 8 5 7 1 4 यही नंबर था, यहाँ पे ये यहाँ पे भी देखो आगे पीछे हो जाएगा, देखो 14 28 57 यहाँ पर भी है, 14 28 57 यहाँ पर भी है, और यहाँ पर भी देखो 14 ये 1 4 आगे चला गया, 28 57 नंबर आगे पीछे हो रहे, और कोई नया नंबर नहीं आ रहा। अगर आप 4/7 भी करोगे तो 4 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1/7 से, 4 1/7 की वैल्यू कितनी दे रखी है, कितनी है ये रही, तो मल्टीप्लाई करो 14 28 57 से, तो ये नंबर आगे पीछे घूमेगा, 7 4 28 ऊपर तो हाथ 4 5 20 4 5 20 22 4 32 और 34 4 2 8 11 4 4 16 17 4 5 तो ये आ गए, देखो 5 7 1 4 2 8 हो गया। तो मैंने आपको ये भी निकाल दिया, ये भी निकाल दिया, ये भी आपको बता दिया। अब 5/7 6/7 आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके दिखाएंगे, आंसर लिखेंगे। देखो कमेंट से घबराया मत करोगे कि एक बच्चे ने कर तो दिया ही है, आप अब अलग हैं, आपकी अलग वैल्यू है, आपको भी लिखना है, नहीं तो आप जितने लिखा उस पर लाइक कर दो, तो मैं समझ जाऊंगा आप ही उन बच्चे ने जिन्होंने किया है, आप ही रिस्पॉन्स दीजिए। देखो आंसर सारे मैच कर लेना, चलो आगे देखो। अब ये कह रहे हैं इनमें से छाटो कौन सा परिमेय कौन सा अपरिमेय, परिमेय मतलब होता है रेशनल नंबर और अपरिमेय होता है इरेशनल नंबर। मैंने कहा था कि जो जो आता रहेगा मैं कंसेप्ट आपको बताता रहूंगा, अब इनके कंसेप्ट आप समझ लो कि परिमेय कहते किसे, जो परिमेय होता है ना, परिमेय यानी कि रेशनल नंबर, रेशनल नंबर वो होते हैं जो p बाय q की फॉर्म में होते हैं, q जो होता है वो जीरो नहीं होता, और p और q जो होते हैं वो इंटीजर होते हैं, ये याद रखना। मतलब हिंदी में बता दूं कि परिमेय संख्या होती है जो p बटे q में हो, q जीरो ना हो, और p तथा q जो होते हैं वो पूर्णांक होते हैं, क्या होता है पूर्णांक होते हैं। अब एक बात सुनो, जो रेशनल नंबर होता है वो दो होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, एक होता है टर्मिनेटिंग, कौन से होते हैं टर्मिनेटिंग यानी कि शांत, जैसे 0.3 ये शांत है, रुका हुआ है, 3/4 ये शांत है, 2 0 0 भी रेशनल नंबर है, एक लगा सकते ना नीचे, अब देखो इसे पॉइंट हटा दिया नीचे 10 चला गया, तो ये हो गया ना पी बटे क्यू के रूप में। तो टर्मिनेटिंग होते हैं, क्या होते हैं टर्मिनेटिंग, रुका हुआ 4.336 ये रुका हुआ है टर्मिनेटिंग है। दूसरा रेशनल नंबर होता है जो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग है ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग होते हैं, मतलब रिकरिंग RECURRING ठीक है, ये अशांत होते हैं, अगर अशांत है तो ये आवर्ति वाले होंगे, समान आवर्ति वाले होंगे,
कहने का मतलब क्या है कि अगर ये नॉन टर्मिनेटिंग मतलब चलता जा रहा है लेकिन सेम आएगा, जैसे 0.44 है, चलता जा रहा डॉट 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 लग गया, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, पोर पर बाल लग गया। तो ये पता है किसे इसे क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग कहते हैं, यानी कि ये भी रेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, अब अगर रूट 25 है, 25 का रूट बाहर बाहर निकल जाएगा ना 5, तो ये रेशनल है, ये किस में आएगा, टर्मिनेटिंग में आएगा। सुन रहे हो, अब जैसे ये 0.368 आगे डॉट 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 चला जा रहा है, तो हम जिस पर बाल लगा सकते हैं ना बच्चों, उसको हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग कहते हैं इसको। तो अब आपको समझ में आ गया रेशनल नंबर किसे कहते हैं, जो बटे में होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, टर्मिनेटिंग भी होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग होते हैं। ठीक है, अब आ जाओ इरेशनल किसे कहते हैं, इरेशनल नंबर इसे बोलते हैं अपरिमेय, वो होते हैं डियर जो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। देखो इसमें यही फर्क है, इसमें नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है, इसमें नॉन रिकरिंग है। मतलब ये क्या होता है, अशांत होते हैं और अनावृत्ति वाले होते हैं, मतलब इसमें कोई नंबर सेम नहीं आता। जैसे 0.345 आ गया, 3455 आ गया, 3455 आ गया, तो देखो पहले 345 है, 3455 आ गया, इस तरीके से सेम नहीं आ रहे, तो इसको हम नॉन टर्मिनेटिंग कहेंगे। जैसे 0.01001001 इस तरीके से नॉन टर्मिनेटिंग कहलाते हैं। और जो भी रूट में होता है, रूट 3 हो गया, रूट 7 हो गया, रूट 11 हो गया, रूट 13 हो गया, वो इरेशनल नंबर अपरिमेय संख्या कहलाते हैं। ठीक है, और पाई, ये जो पाई है ना, ये भी इरेशनल नंबर है। क्या ये इरेशनल, इनके अपरिमेय है, हम पाई की वैल्यू मान लेते हैं ना 22/7, लेकिन एक्चुअल में वो हमने माना हुआ है, रियल में नहीं है, वो पाई इरेशनल कहलाता है, अपरिमेय कहलाता है। चलो अब फटाफट मैंने आपको सारा समझा दिया पूरा कंसेप्ट, अब फटाफट आपको इसके आंसर बताने कि कौन इसमें रेशनल है। मैं आर बोलूंगा रेशनल को, परिमेय को, अपरिमेय को आई बोलूंगा, ताकि आपको कंफ्यूजन और मुझे भी ना हो। ठीक है, जल्दी से आप आंसर बताते जाओ फटाफट। अब देखिए यहाँ पहला नंबर है 400, तो 400 का आपको पता लगाना कि ये रेशनल है या इरेशनल है। देखो 400 का रूट कितना होता है, 20 होता है, तो इसको आर बोलेंगे, रेशनल बोलेंगे। ठीक है, 1100 का रूट ने तो इसे आई बोलेंगे। इसको देखो √2 + √3 की पावर 2 है, तो इसको सॉल्व कर लेंगे, वैसे तो ये इरेशनल है, आई है। फिर मैं करके दिखा रहा हूँ, पहले वाले पे स्क्वायर, दूसरे वाले पे स्क्वायर, फिर 2 लिख के दोनों एक साथ। आपको पता होना चाहिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, a + b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a² + b² + 2ab। अगर पूरे के ऊपर 2 लगा तो 3 जने बन जाएंगे, पहले वाले पे स्क्वायर, दूसरे वाले पे स्क्वायर, 2 लिख के दोनों एक साथ, तो रूट से स्क्वायर कट गया 2 बचा, रूट से कट गया 3 बचा, और ये 2 2 3 6, 3 और 2 कितनों के 5 + 2√6, ये आंसर आगे समझ में। अब बताओ ये रेशनल है, इरेशनल है, रूट रह गया ना इसमें, तो ये इरेशनल है। क्या ये अपरिमेय है? उसके बाद ये बताओ ये कौन सा है। देखो जब एक प्लस में लिखा हो और एक माइनस में लिखा हो तो पहले वाले पे स्क्वायर और दूसरे वाले पे स्क्वायर लगा देते, ये आइडेंटिटी आपको याद रखनी है, यहाँ पर ये आइडेंटिटी लगेगी। तो मैं आपको बता दूं कि ये रेशनल बन जाएगा, क्या बन जाएगा, रेशनल। फिर भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ, देखो पहले वाला सेम है, बाद वाला सेम है, तो पहले वाले के ऊपर स्क्वायर लग गया और दूसरे वाले के ऊपर स्क्वायर लग गया। अब पावर 2 है तो इसको 2 बार लिख लेंगे, इसको भी हम 2 बार लिख लेंगे। ठीक है, अब सॉल्व करो। देखो मैं आपको एक चीज बता दूं, अच्छे से आप समझ रहे इस बात को डियर,
कि हर रकम में दो रूट होते हैं, जैसे दो है यहाँ तो रूट दो मल्टीप्लाई रूट दो तो वो क्या बन जाएगा, दो बन जाएगा। अगर तीन है तो क्या होगा, रूट तीन मल्टीप्लाई रूट तीन क्या बन जाएगा, तीन बन जाएगा। पाँच है तो रूट पाँच मल्टीप्लाई रूट पाँच, पाँच बन जाएगा। छः है तो रूट छः मल्टीप्लाई रूट छः, छः बन जाएगा। सात है तो रूट सात मल्टीप्लाई रूट सात, सात बन जाएगा। ये आपको पता होना चाहिए, सुन रहे हो। तो ऐसे ही दो दुनी तो चार हो गया, रूट तो एक दो बन गया ना, दो बन गया, रूट सात एक सात बन गया, तो चार दुनी आठ और आठ यहाँ सात हो गया, आठ में सात गया एक, तो एक आ रहा है और पूरा आजाद है, तो ये क्या कहलाएगा, रेशनल कहलाएगा, परिमेय कहलाएगा। पता मैं इतना डीपली कब तरह, एग्जाम में आपका क्वेश्चन पेपर में भी आता है क्वेश्चन, मैटर मैथ की भी तैयारी हो जाएगी और पेपर की भी तैयारी हो जाएगी। तो ये रेशनल, अब इसको चेक करते हैं, पांचवे क्वेश्चन को रेशनल है, ये रेशनल है। 16 की पावर है 1/2 प्लस 625 की पावर है 1/4, तो आपको इसका एलसीएम लेना चाहिए। 16 है ना, तो 16 का करो 2 8 16, 2 4 8, 2 8 2 2 4 2 1 2, तो 1 2 3 4, 2 कितनी बार है, 4 बार ऊपर 1/2। तो आपको रूल पता होना चाहिए, पावर की पावर में मल्टीप्लाई होती है, ये वाले रूल लगे हैं यहाँ पर, ठीक है, ये पावर की पावर में मल्टीप्लाई होते हैं, ठीक है ना। तो अब 625 का करो एलसीएम, प्राइम फैक्टर इसे बोलते हैं, तो 5 से जाएगा, 5 एकम 5, और आपको ना सारे स्क्वायर याद होने चाहिए, 5 एकम 5, इसे एक दे दो, 5 2 10, 5 2 25, 5 2 10, 5 2 25, 5 2 25, 5 एकम 5, तो 1 2 3 4, 5 कितनी बार है, 4 बार, जो 4 से 4 कट गया, यहाँ इक्वल लगाओ, तो 2 2 कितना होगा, 4, तो 2 की पावर कितनी है, 2, 5 की पावर कितनी है यहाँ पे, 1, तो 2 2 कितना होगा, 4, 5 एकम 5, तो 5 4 9 आ गए। तो ये भी क्या होगा, रेशनल, क्योंकि रेशनल की फॉर्म में बन रहा है, मैंने आपको कंसेप्ट सारा बता दिया। रेशनल किसे कहते हैं, परिमेय है ये, कौन है, परिमेय, पता ही है, क्वेश्चन सॉल्व करने को भी आ जाता है, तो आप इसकी प्रैक्टिस अच्छे से करो, ठीक है, सुन रहे हो ना मेरी बात। और ये देखो, ये 0.23, बताओ ये क्या रेशनल है, इरेशनल है, देखो पॉइंट हट गया, 1 1 2 3 1 2 3, 3 0 तो 3 0 आ गए, तो ये क्या रेशनल है, ये क्या परिमेय है। मैंने कहा था आर आई लिखूंगा, लेकिन मैं पूरा लिख रहा हूँ। अब बताओ ये रेशनल है, रेशनल देखो 3 7 1 3 7 1, सेम से मारा तो आर है, अब देखो यहाँ 10 फिर 100 फिर 1000 आ रहा, तो ये आई है ये। अब इसको देख लेते हैं, यहाँ पे 3 √5 है, तो अगर ऐसा कोई आ रहा है तो ये भी आई है, इरेशनल है, कौन है, इरेशनल। अब ये वाला सोल्व कर लेते हैं, तो मैंने आपको बताया जब ऐसा क्वेश्चन आता है तो ये रेशनल बन जाता है, क्योंकि जब पहला पहला सेम सेम बाद वाला सेम सेम रेशनल, पर ये पहला पहला सेम सेम बाद वाला सेम सेम नहीं है, नहीं है, ये देखो पहला सेम नहीं है, दूसरा सेम है, तो जब ऐसा होगा तो फिर कैसे करेंगे, इसे इरेशनल बोलेंगे, लेकिन मैं करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो पता है इसको कैसे करते हैं, ये पूरा उतार लिया, ये पूरा सेम लिख लिया, माइनस का 5, ये पूरा उतार लिया, देखो 2 √3 लिखा, ये पूरा सेम उतार दिया, माइनस 5 लिखा, पूरा सेम उतार दिया। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, ध्यान समझना, समझना है तो ध्यान से समझना है, नहीं तो नहीं समझना, ठीक है बच्चों। इसको इसके साथ लिखो, इसको इसके साथ लिखो, इसको इसके साथ लिखो, इसको इसके साथ लिखो, समझो, ये इसके साथ आएगा, ये इसके साथ आएगा, ये इसके साथ आएगा, ये इसके साथ आएगा, देखो बाहर माइनस है, याद रखना आगे बाहर माइनस है, तो साइन यहां प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। यहां फॉर्मूला कोई नहीं लगा क्योंकि यहां पर ये सेम नहीं थे, सुन रहे हो। तो हमने क्या करा, ये लिखा पूरा सेम उतार दिया, ये लिखा पूरा सेम उतार दिया, इसको दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, तो दोनों से मल्टीप्लाई करके लिख दिया। अब सॉल्व करो, इसको 2 लिखा, √3 √3 1 3 बन गया,
प्लस दो लिखा, 5 से 15 हो गया, फिर 5 से 15 हो गया, फिर जो दोनों सेम है, दोनों सेम है तो 5 बन गया। बताया था ना मैंने, सेम हो तो 5 बन जाएगा जो भी नंबर होगा। हाँ है ना। अब 2 3 6 हो गया। अब ये भी 15 है, ये भी 15 है। हाँ है ना। तो 2 चॉकलेट में से 1 चॉकलेट खाली, तो बची 1 चॉकलेट। देखो सेम सेम होगा तभी जोड़ेंगे घटाएंगे। तो 2 चॉकलेट है और ये 1 मान लो, 2 चॉकलेट में से 1 चॉकलेट गई, 1 चॉकलेट बची। बच्चियां गलत कर देते हैं, यहाँ √15 से √15 काट देते हैं और 2 लिख देते हैं या 1 लिख देते हैं, गलत कर देते हैं। अगर प्लस माइनस होगा तो √15 नहीं कटता, मल्टीप्लाई हो गया तब एक बार लिखेंगे। अब बच्चे कहते हैं 2 बार हो गया, 1 बार लिख दो, हो जाएगा ना गलत। क्योंकि कंसेप्ट अच्छे से आने चाहिए और मैं पूरी कोशिश करता हूँ एक एक चीज अच्छे से बता सकूं, क्योंकि मुझे पता बच्चे कहाँ से गलती करते हैं। 6 में से 5 गया, 1 बचा और ये √15 आ गया। तो ये इरेशनल नंबर है, ठीक है। वैसे तो आप देख के बता दोगे, अगर ये सेम नहीं है तो इरेशनल ही होगा, अगर रूट लिखे हुए नंबर तो, ठीक है। सुन रहे हो, अब इसे 2-3 बार देखना वीडियो को, अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। अब मैं एक बस 5वां क्वेश्चन आज की वीडियो में ले रहा हूँ और उसके बाद फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे, ठीक है। और इससे मुझे पता भी लग जाएगा कि आप सबका रिस्पॉन्स कैसा है, कि आप मेरी वीडियोस को लाइक करते हैं या नहीं करते, क्या मेरी वीडियो सबको पसंद आ रही है या नहीं आ रही, ठीक है, ये पता मुझे लग जाएगा, ठीक है। तो ये कह रहा है आपसे, मैं पूछ रहा हूँ बच्चों, 3 की पावर 100 है तो इसका 1/3 कितना होगा। 3 की पावर 100 दे रखी है तो इसका 1/3 कितना होगा। देखिए इसका आंसर आएगा 3 की पावर 99, ठीक है। अब आएगा कैसे, इसमें 1/3 बोला है तो 3 की पावर 100 है उसका 1/3 यानी कि 3 से डिवाइड कर दो। हाँ है ना। तो इसने बोला 3 की पावर 100 होगा, 1/3 कितना होगा, 1/3 पूछ रहा है। तो जब बेस सेम होता है और डिवाइड होता है तो पावर घट जाती है। यहाँ पे 1 मान लो तो कितना का 3 की पावर 99। तो ये कौन सा फॉर्मूला लगा, ये वाला फॉर्मूला लगा, जब बेस सेम होता है तो पावर माइनस हो जाती है। तो आपको ये रूल थोड़े से मैं बता देता हूँ फटाफट। अगर 1 की पावर m है, मल्टीप्लाई 1 की पावर n है, यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई की जगह ऐसे लिखा है ना, पॉइंट डाल के रह लाइए, मल्टीप्लाई का साइन होता है, तो पावर को हम जोड़ देते हैं। पर अगर 1 की पावर m/1 है, डिवाइड है, तो पावर को हम घटा देते हैं, जो सेम होता है उसे एक बार लिखते हैं। ये ऐसे भी लिख सकते हैं टीचर, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो आपको क्या करना है, m माइनस n कर देना। और अगर 1 की पावर m उसके ऊपर n, यहाँ पे m n लिख रहा हो ना, कोई भी नंबर हो सकता है, जैसे इन्होंने p क्यों लिखा, मैंने जानबूझ के m n लिखा है ताकि आपको पता लग सके कोई और नंबर भी लिखा है आपको पता हो, तो पावर की पावर में मल्टीप्लाई हो जाती है। और अगर किसी की पावर 0 तो वैल्यू हमेशा 1 होती है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और अगर पावर सेम है और बेस अलग अलग है, जैसे पावर सेम है बेस अलग अलग है, तो बेस की मल्टीप्लाई हो जाएगी और पावर का जो पावर है वो एक बार लिख देंगे। तो कैसी रही वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर योर स्टूडेंट्स।